Hello student, welcome back to my class. And today I will start with these topic under the unit current electricity. So let's start with the first topic, resistance combination. Resistance combination, you already know the topic as you read it in class 10th. You may know about the series combination, parallel combination, as well as mixed combination. And if you have seen numericals, you have observed that some kind of numericals are based on mixed combination as well as the shape change combination. So that I will discuss later on after completion of this chapter. So let's start with the combination of resistance. So resistance initially may be combined with two type of combination. First one is series combination and second is parallel combination. Okay, so series combination means what? If you are attaching this, there are three resistors, you can take two resistors, minimum two resistors and maximum n number of resistors. So if you are connecting three resistors in such a way that one end of a wire, resistor wire, is connected with the other end of another resistor, then this type of combination is called series combination. Here you can see if I am just putting the points A, B, C and D. So aap dekho yahan pe kya hai ki B jo point hai वो कंबाइंड पॉइंट है ए रजिस्टर का और ये जो फर्स्ट रजिस्टर है आर वन और सेकेंड रजिस्टर आर टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनको आपस में टाइट कर दिया गया है, देन इट इज द कंबाइंड पॉइंट, कॉमन पॉइंट, दैट इज बी. सो बी इज द पॉइंट वेयर वन एंड ऑफ द आर वन रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द अदर एंड ऑफ द आर टू रजिस्टर. सो दिस वन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल की फिगर दिखाऊँ तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा कि रेजिस्टर्स जो हैं उनके दोनों एंड आपस में बाइंड होते हैं. ये आर वन रेजिस्टर है, ये आर टू रेजिस्टर है. आर वन रेजिस्टर का एक एंड और दूसरा एंड, ये फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड है, वो आर टू रेजिस्टर के फर्स्ट और सेकेंड एंड से कनेक्टेड है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसमें वायर के दोनों एंड कनेक्टेड हो दूसरे रेजिस्टर से, इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन है कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में. और आई होप कि आपको ये पता ही होगा पहले से ये पॉइंट, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ये. अब हम इसमें अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दें, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, दिस वन इज ई, इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करेंगे. इस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर. तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दिया है, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट अप्लाई अक्रॉस दिस वन. इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो टिल दिस टाइम आई एम यूजिंग हियर ओनली वी. वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाई दिस बैटरी across the three resistors connected in series combination. So these are the three resistors. Okay, now as we know in the series combination what will happen, कि ये जो current है, ये current अगर cell से या battery से निकल रही है तो ये current तीनों resistor में जाती है, same current. अगर 3 ampere की current है तो 3 ampere की current तीनों में जाएगी. 4 ampere की current है, 4 ampere की current तीनों में जाएगी. क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे करंट का डिवीजन जहाँ नहीं हो रहा है, सेम करंट अगर थ्री रेजिस्टर या एन नंबर ऑफ रेजिस्टर में जा रही है तो उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेजिस्टर कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो इस केस में यहाँ पर अगर आई करंट इनिशियली बैटरी से निकली है तो वो आई करंट आर वन, आर टू, आर थ्री तीनों में ही जा रही है. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिवीज़न होता है, जो पूरे का पूरी क्वांटिटी का डिवीज़न हो जाता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. जो बैटरी वोल्टेज होगा
वो तीनों रेजिस्टर के लिए अलग अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि तीनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर करंट तीनों में सेम जा रही है, आई इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू पर। आई तो कॉमन है तीनों के लिए, तो वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस कैसे वैली करेगा, इन अकॉर्डिंग विद द रेजिस्टेंस वैल्यू। और रेजिस्टेंस वैल्यू कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर मैंने लिए आर वन आर टू एंड आर थ्री, तो थ्री रेजिस्टर्स वैल्यू हैं, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वैली कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। सो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन इज वी वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू इज वी टू, एंड अक्रॉस आर थ्री इज वी थ्री। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। टोटल जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने अप्लाई किया था, तो वो तो इस रेजिस्टर के एंड में आर वन के फर्स्ट एंड और आर थ्री के लास्ट एंड से के अक्रॉस कनेक्टेड है। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वही ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, वोल्टेज अप्लाई करेगी, उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर में नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स वी कैन से कि वी इज द एडिशन ऑफ थ्री पोटेंशियल डिफरेंस। अगर थ्री रेजिस्टर है तो थ्री पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है लेकिन करंट डिवाइड नहीं होती है। ओके, तो ये बेसिकली बेसिक क्वालिटी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पर आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे। वी को हमने एज सच रख दिया। ओम्स लॉ अप्लाई करने पर वी वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, सो वी वन इज इक्वल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू आर वन इज आई, थ्रू आर टू इज आई, थ्रू आर थ्री इज आई। सो वी कैन राइट वी वन एज आई आर वन, वी टू एज आई आर टू, एंड वी थ्री एज आई आर थ्री, बिकॉज बाई द ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो वी हैव अप्लाइड दिस सिचुएशन हियर। Afterward, because I is common, we can take it common, R2 plus R3, ये हो गया। अब इसकी को देखो तो हम क्या करेंगे कि V over I कर दिया, that is equal to R1 plus R2 plus R3। I को left hand side में अगर हम ले जा रहे हैं तो V over I, इस value को अगर आप देखो Ohm's law से, तो V over I एक resistance बनता है। V ओवर आई करने को क्या आएगा, इक्वल टू आर। तो वो आर क्या है, वी इज द टोटल पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल है, इस पॉइंट तक का पोटेंशियल है जहाँ तक की बैटरी लगी है। सो ये बैटरी तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। तो वी डिवाइडेड बाई टोटल करेंट, अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल करेंट कर रहे हैं, तो ये टोटल इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि अगर हम इसी पॉइंट से इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ऐसे रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दें जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है और वो इन तीनों के इक्विवेलेंट वर्क कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन तीनों के रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दैट रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी replaced, this V over I should be replaced by that resistance value. That means हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि R1, this is R is equal to R1 plus R2 plus R3. यानी R है क्या, वो equivalent resistance है जो इन तीनों के series combination को replace करके use हो सकता है। So that is why it is called equivalent. Is it clear? तो इसको हम कहते हैं equivalent resistance in series combination. Got it? तो बहुत सिंपल है, आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हो। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करके बहुत सारे केसेस देखना चाहें तो वो केसेस भी निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पर R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये सीरीज का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर इसी जगह पर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री एंड सो ऑन होते, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए होते, तो कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, समझो, यानी कि ये एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आर, अब इसको मैं आर डैश कॉम्बिनेशन दे दे रही हूँ,
और यहाँ पर आर डी एच इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस एन नंबर ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑल द वैल्यूज आर सेम, तो इसकी इक्वल वैल्यू को हमने रखा है दैट इज आर। तो हर एक की इक्विवेलेंट वैल्यू है कितनी, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने रेजिस्टर है, एन। सो पहले होगा आर प्लस आर अप टू सो ऑन, कितने टाइम्स जाएगा, एन टाइम्स, क्योंकि एन रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग्स में अगर ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, एन इंटू आर। सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड विद ईच अदर इन सीरीज। सो दैट इज व्हाई दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी अगर सेम वैल्यू दी हुई हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से मल्टीप्लाई कर देना एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को, सो यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दैट कंडीशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू नेक्स्ट केस दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड केस। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया कि पैरेलल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू एंड। यहाँ पर देखो रेजिस्टर्स का जो दोनों एंड है वन पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आपस में कनेक्ट है, सीरीज में केवल एक एंड कनेक्ट होता है, ठीक है, जबकि पैरेलल में दोनों एंड्स कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप को बल्ब अगर लगाना है तो बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन, आप फेस्टिवल टाइम पे दिवाली के टाइम पे जो फेरी लगाते हो, फेरी क्या है, दैट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बल्ब्स, ठीक है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा होता है क्योंकि एक के बाद नेक्स्ट, यानी एक का वन एंड फिनिश होता है तब नेक्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एंड उसमें अटैच हो जाता है, तो केवल एक ही एंड आपस में अटैच हो रहे हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट होंगे तो दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हियर इफ वी आर कनेक्टिंग द थ्री रजिस्टर्स इन पैरेलल देन ऑल द थ्री एंड्स आर, थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद ईच अदर, ओके, ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है, रिमेंबर दिस, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ये दोनों एंड्स इसमें ज्वाइंट होते हैं तभी जाकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो ये बना हुआ है इसको थोड़ा सा और क्लीन फिगर कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज टर्मिनल वन एंड टू, ओके, एंड द थ्री रेजिस्टर्स आर आर वन आर टू एंड आर थ्री। द नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इज बी, टी कनेक्टेड इज के, ओके। नाउ द करेंट फ्लोज थ्रू दिस बैटरी, लाइक द करेंट इज आई एंड दिस करेंट एट द पॉइंट वन इट विल बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट बिकॉज इट हैज़ थ्री पार्ट। जहाँ पर भी करेंट को पाथ मिलता है वो वहाँ पर डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो करेंट का कंजप्शन ज़्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब वी जो टर्म है यहाँ पर वो वी टर्म कॉन्स्टेंट है इन तीनों के लिए, कैसे पता चल रहा है, ये टर्मिनल वन और टर्मिनल टू ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के दोनों एंड से, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है। उसके बाद यही टर्मिनल तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो अगर ये एंड पॉइंट से कनेक्टेड है इसका मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना कि बैटरी के अक्रॉस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, करेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू मीन्स तीनों रेजिस्टर की बात हो रही है, अगर हम थ्री रेजिस्टर्स ले रहे हैं सीरीज है पैरेलल में तो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है, सीरीज में करेंट होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर ऑल द रेजिस्टर एंड पैरेलल में वोल्टेज इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर ऑल द रेजिस्टर। सो हियर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स व्हाट, करेंट वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द रेजिस्टेंस वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है आर थ्री इसके अक्रॉस करंट जा रही है आई थ्री आई टू एंड आई वन। अब यहाँ पर चेक करो अगर इस रिलेशन के बेसिस पर जहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड है, हाँ मैंने आपको ओम्स लॉ की लिमिटेशंस भी बताई थी, अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। इसी रिलेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया, तो मीन्स जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम जा रही है, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग करंट ज़्यादा जाएगी टू मेक द पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट।
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा कि R1, R2, R3 के अक्रॉस I1, I2, I3 जा रही है। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो तो हम उस वैसे से बता सकते हैं कि करंट कितनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम अगर नेट करंट I थी तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुई, I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ दिस I1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V R1। पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर टर्म वेरी कराते जाएंगे, वी डिवाइडेड बाई R2 और वी डिवाइडेड बाई R3, दैट इज इक्वल टू I। नाउ I इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी रिलेशन को आगे देखो तो I डिवाइडेड बाई V हो गया, I V इस साइड जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये हो जाएगा। अब I डिवाइडेड बाई V, यानी I और V को इस साइड ले आओ, तो I डिवाइडेड बाई V क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, अब I इज़ द टोटल करेंट एंड V इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो I डिवाइडेड बाई V जो मिल रहा है 1/R, उसमें R है क्या, वो रेजिस्टेंस है जो इन दोनों, इन थ्री रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनके इनको रिप्लेस करके यूज़ हो सकता है, इनको हटा दिया जाए तो हम उस रेजिस्टर को लगा सकते हैं, दैट इज वाई दैट रेजिस्टर विल बी टर्म्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आई बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, दैट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आ जाता है, सीरीज ऑफ पैरेलल आप इस तरीके से निकाल लेते हैं। बट अब क्योंकि ये तो आपने टेंथ में भी पढ़ा है, इसमें कुछ आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ 1 रेजिस्टर 2 रेजिस्टर 3 रेजिस्टर। मैथमेटिक्स वालों के लिए ईजी होगा, आप क्या करोगे कि अगर 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 होता है, तो आप इसको R को कैसे लिख सकते हो, फॉर द थ्री रेजिस्टर R1, R2, R3 डिवाइडेड बाई R1, R2, R2, R3, R3, R1। आपने क्या किया, इसको इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे अलजेब्रा के थ्रू तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर टू रेजिस्टर्स होते तो क्या रिजल्ट आ जाता, R1, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे रिजल्ट निकल के आता। अगर फोर रेजिस्टर्स होते तो कैसे रिजल्ट निकलता, ये थ्री की जगह पे आप लिख दोगे 4, R1, R2, R3, R4, ये फोर रेजिस्टर्स हो गए। नीचे थ्री रेजिस्टर्स के लिए थ्री टर्म्स आ रहे थे, तो फोर रेजिस्टर्स के लिए कितने टर्म आएंगे, 4 टर्म्स। तो यहाँ पे नीचे पहले टू टर्म प्रोडक्ट का वैल्यू बन रहा था, तो यहाँ पे थ्री टर्म प्रोडक्ट का वैल्यू बनेगा, यानी आप पहले लिखोगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी R1, R2, R3, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन R2, R3, R4, फिर आप R3, R4, R1 का कॉम्बिनेशन R3, R4, R1, फिर R4, R1, R2, R4, R1, R2। तो ऊपर के साइड में 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, नीचे के साइड में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है एडिशन में, तो आप यहाँ पर देखो तो बचेगा केवल ऊपर का एक टर्म जो इक्विवेलेंट वैल्यू निकल करके आएगी। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, फॉर 1 रेजिस्टर, फॉर 2 रेजिस्टर, फॉर 3, फॉर 4 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर अगर सपोज ऐसी सिचुएशन होती कि सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल होते सेम वैल्यू के, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर ऑफ 2 ओम, तो रिजल्ट कैसे निकल के आता, 1/2 1/2 1/2, दैट इज 3/2। 3/2 पर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी थी 2 और नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने थे 3, तो आंसर आ रहा है 2/3। तो इसी तरीके से अगर n रेजिस्टर होते तो आंसर क्या होगा, फॉर द सेम वैल्यू 1/R' इज इक्वल टू 1/R 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 प्लस अप टू n टाइम्स, आप इसको n टाइम्स ले जाते, आपने क्या किया 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रहे हो, n रेजिस्टर्स लगे हुए, तो अप टू n टाइम्स आप इसी वैल्यू को ले जाते क्योंकि सारे रेजिस्टर की वैल्यू सेम है। ये ट्रिक्स उस समय अप्लाई होती है जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज n डिवाइडेड बाई R।
So what is the value of R dash? That is R divided by N. तो आपको ऐसे वैल्यू मिल जाती है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट जो आता है वो एक रेजिस्टेंस वैल्यू से भी कम आता है. देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने एक एग्जांपल लिया था, आंसर कितना आ रहा था 2/3. अगर 2 ओम का रेजिस्टर है और आंसर आ रहा है 2/3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया आर डैश वो तो आर से भी कम हो गया. आर डैश इज इक्वल टू 2/3. 2/3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में कितनी आएगी? 0.667. इसको डिवाइड करोगे जब तो कितना रिजल्ट आना चाहिए? 0.667. और यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 ओम. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कम हो जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू. और इसीलिए हम डोमेस्टिक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट में इक्विवेलेंट जो हमें निकालना होता है, कॉम्बिनेशन करना होता है, वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी बेसिस पे करते हैं ताकि जो नेट रेजिस्टेंस पूरा ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप्लाई हो सर्किट में वो कम से कम अप्लाई हो. ठीक है, अगर हम सीरीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इतनी करंट हमें नहीं मिल सकती एक एक हाउस में कि हम इतना कंजप्शन करें. इसी का सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या आता है? आर डैश इज इक्वल टू एन इंटू आर. यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये सीरीज़ का रिजल्ट है और ये पैरेलल का रिजल्ट है. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू एन टाइम्स हो जाती है, बढ़ जाती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है. सो आर प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन इज व्हाट? दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. And you can solve it in numerical, in different numerical. You can apply the steps. Okay. So I hope this these tricks are clear to you. And many more tricks are there, like the case of the round wire. आपका एक ऐसा question था, मैं कुछ question आपको oral बता दे रही हूँ. ऐसे एक question था, एक wire है उसका resistance दिया हुआ है 5 ohm. ठीक है, उस wire की length है 5 meter. और उस वायर को 5 equal parts में डिवाइड कर दिया गया. 5 equal parts में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 5 equal parts हो गए. तो 5 equal parts में डिवाइड कर दिया गया. फिर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया इन 5 parts को, और दूसरी केस दे दिया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया. तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. अगर 5 meter की लेंथ थी और लेंथ को कट किया गया है तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के अक्रॉस जो लेंथ आएगी वो 1 मीटर हो जाएगी. यानी लेंथ क्या हो जा रही है? डिवाइड हो जा रही है. एंड यू नो द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अगर लेंथ 1/5 हो गई है तो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस वैल्यू भी 1/5 हो जाएगी, क्योंकि एरिया में तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, रेजिस्टिविटी वेरी नहीं कर रही है. तो रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा केवल लेंथ पर. लेंथ कट की जा रही है, 5 मीटर की लेंथ थी वो 1 मीटर में कन्वर्ट हो गई, तो रेजिस्टेंस यानी 1/5 हो गई लेंथ हर एक पार्ट की. तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी हर एक पार्ट का 1/5 हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो अब एक पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया R/5, तो 5 पार्ट का रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में इन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप निकाल सकते हो वैल्यू. एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करके देखना है. एंड यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आफ्टरवर्ड सेकेंड थिंग, दूसरे टाइप का कैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है सपोज 10 ohm, और इस वायर को एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करके इस वायर को टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है, अब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. तो वायर को अगर सर्कल में कन्वर्ट करके, ये जो लेंथी वायर था इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया है, और उसके बाद इसके मिडिल से एग्जैक्टली यानी कि डायमीटर यहाँ पर हो गया. तो इस सर्कुलर पार्ट में सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो इसके हाफ पार्ट का, ये दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसके हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम. ठीक है, यानी इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम. ओके, अब यहाँ पे अगर टर्मिनल यहाँ डायमीटर के अक्रॉस लगाया गया है तो ये 5 और 5 ओम कैसे कनेक्ट हो जा रहे हैं पैरेलल में? कैसे पता चला? यहाँ से करंट आएगी तो उसको दो पाथ दिख रहे हैं करंट को, तो करंट या तो कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा. I1 पोर्शन जा रहा है ऊपर वाले पार्ट में, I2 जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में, और सेकेंड एंड पे जोड़ने पर ये टर्मिनल में चली जाएगी. ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ. तो 5 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/N, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2. सो दैट विल बी द रिजल्ट हियर.
आपने 5 और 5 को पैनल में किया तो पैनल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आर बाई आर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर हम वायर को, एक ही वायर को कितने तरीके से शेप दे सकते हैं, तो ये शेप टाइप के क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल थे जिसमें आपको कट करके, जैसे एक वायर को कट करके लगा करके उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू पूछी जा रही है, एक वायर को शेप कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस वैल्यू पूछी जा रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, अगर स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर है तो उस केस में इन अकॉर्डिंग विद दिस फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी तो वेरी नहीं करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस दो पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एंड एरिया पे। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, आप एक केस एज्यूम करो जस्ट लाइक द केस ऑफ च्युइंगम, बबल गम, तो क्या होता है जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है पर एरिया क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग वाला केस है, अगर आपके स्ट्रेचिंग वाला केस आता है तो स्ट्रेचिंग वाले केस में लेंथ तो इंक्रीज करेगी साथ ही साथ एरिया डिक्रीज भी कर रहा है, यानी ये दोनों टर्म वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रही है उसी के अकॉर्डिंग पे एरिया डिक्रीज भी कर रहा है, तो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी और करती है, उसको भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वो केस देखते हैं, कौन सा केस है ये, स्ट्रेचिंग का, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ओके, इम्पॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार होता है ऐसे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी डाल दिया जाता है जब थोड़ा सा डिफिकल्ट टेबल बनाना है, तो आपको क्या करना है कि ये केसेस उसको जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा कमांड आएगा इन सारे टॉपिक्स में। सो स्ट्रेचिंग में निकालने के लिए यहाँ पर देखो एक वायर है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है च्युइंग गम या बबल गम का केस, कीप इट इन योर माइंड एंड कंसीडर अ वायर जस्ट लाइक द च्युइंग गम केस। अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो वो क्या, उसमें इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि वो स्ट्रेच कर रहा है और स्ट्रेच करने पे लेंथ और एरिया दोनों वेरी करेगा, लेकिन क्या चीज़ वेरी नहीं कर रही, अगर ये एक वायर है ए बी, इसकी लेंथ और एरिया दोनों बढ़ रहा है ना, लेंथ कम हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया कम हो रहा है, यही ये सिचुएशन। अब इसमें क्या चीज़ वेरी नहीं कर रही है, च्युइंगम का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो च्युइंगम में क्या चीज़ वेरी नहीं कर रही है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, समझ रहे हो, च्युइंगम का अगर एरिया आप कम करोगे यानी लेंथ आप इंक्रीज करोगे, इसे स्ट्रेच करोगे, तो उस केस में एरिया और लेंथ तो वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं चेंज हो रहा है वो है उसका वॉल्यूम, जितनी च्युइंगम पहले थी उतनी ही बाद में, सेम इज द केस फॉर द वायर। अगर वायर को स्ट्रेच करोगे तो वायर का जो इन वेरिएबल टर्म है जो चेंज नहीं हो रहा है दैट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम शुड बी कॉन्स्टेंट, हम यहीं से शुरू करेंगे, वॉल्यूम होता क्या है, दैट इज एरिया एंड लेंथ मल्टीप्लिकेशन, चाहे शेप कुछ भी हो, सिलेंडर की शेप में भी आप पाई आर स्क्वायर एल रख देते हो, क्यूबॉइड के केस में भी आप वॉल्यूम निकालते हो, तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a1 l1 is equal to a2 l2, इतनी बात समझ में आ रही है, a1 l1 is equal to a2 l2, यानी ये अगर पहले का एरिया और लेंथ ये था तो बाद में एरिया और लेंथ कितना हो गया a2 l2। अब अगर हमने ये कंसीडर किया है कि स्ट्रेचिंग के टाइम पर जो लेंथ थी l2 जो चेंज हो गई, लेंथ l2 पहले से n टाइम्स हो गई, l1 की n टाइम्स हो गई, फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ की एन टाइम हो गई, तो हम यहाँ पर एरिया को भी निकाल सकते हैं कि फाइनल एरिया कितना हो गया होगा, ए वन एल वन इज इक्वल टू ए टू एंड इन केस ऑफ एल टू वी कैन राइट एन एल वन, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू एल वन और एल वन कैंसिल एंड वी विल गेट ए वन डिवाइडेड बाई एन, तो हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिल गए, ए टू इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाई एन, यानी एरिया वन ओवर एन हो जाएगा अगर लेंथ एन टाइम्स ऑफ एल वन हो जाती है, तो ये दोनों डेटा हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इनिशियल रेजिस्टेंस अगर आर वन है आर वन इज इक्वल टू रो एल वन बाई ए वन और आर टू इज इक्वल टू रो एल टू बाई ए टू, ये हो जाएगा।
ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग के बाद का रेजिस्टेंस और स्ट्रेचिंग के पहले का रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो तो वेरी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होनी ही नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर टू डिवाइडेड बाई आर वन या आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, हम उससे निकालेंगे रिलेशन। रेजिस्टिविटी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, हमने डिवाइड कर दिया। तो आर वन इज इक्वल टू आर टू, इसको इस साइड ले गए। अब एल वन ऊपर तो ए टू ऊपर आ जाएगा, ए वन नीचे और एल टू नीचे, ये टर्म आ गए। ठीक है, यहाँ पर आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो आर टू निकालना है आर वन के फॉर्म में, आर वन तो दिया हुआ होगा, ये गिवेन होगा। तो आर टू इज इक्वल टू आर वन, ये सारे टर्म्स इस साइड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एल टू ओवर एल वन एंड ए वन ओवर ए टू। ठीक है, ये इस साइड लेफ्ट साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपको ये रिलेशन यूज करना है, सो आर वन एल टू ओवर एल वन, एल टू ओवर एल वन कितना आ जाएगा, एन यहाँ से, और ए वन ओवर ए टू, ए वन ओवर ए टू दैट इज अगेन इक्वल टू एन, सो यू विल गेट इट एन। सो यू विल गेट द रिजल्ट एज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वन, यानी जो रेजिस्टेंस होगा, फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा इसके आर टू के। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि स्ट्रेचिंग है, ये दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि एक वायर है जो कि 5 मीटर का था, उस वायर को स्ट्रेच करके 10 मीटर बना दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वन, यानी अगर रेजिस्टेंस इनिशियली कितना मैंने बताया 5 मीटर की है लेंथ, और उसको 10 मीटर कर दिया गया, यानी कि 5 इंक्रीज हुआ है, कितने इंक्रीज हुआ 5, यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो 2 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स 10 हो जाता है, तो 2 टाइम्स इंक्रीज, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5 इंटू 2 इज 10। ठीक है, तो लेंथ अगर 2 टाइम्स हो जा रही है, यानी कि इनिशियल लेंथ की डबल हो जा रही है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, जो भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एन स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स था वहाँ पर, तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ की स्ट्रेचिंग के केस में 4 टाइम्स आ रही है, जबकि अगर नॉर्मल हम इसे कटिंग करते हैं तो कटिंग के केस में सिर्फ एन टाइम्स ऑफ आर वन आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग का केस और नॉर्मल कटिंग का केस इस तरीके से वेरी कर रहा होता है। सो आई होप दीज केसेस आर क्लियर टू यू, मोर केसेस विल कम एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल यू आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, गॉट इट, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम हियर विद यू एवरी टाइम। सो दिस इज ओवरऑल द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। सेल इज द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, सेल होता क्या है। सो आपको हो गया कि सेल इज द एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी रेजिस्टर और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट इज कॉल्ड सेल। अच्छा, आप पहले, सबसे पहले नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, यहाँ पर आपके पास जो हाउस होल्ड होते हैं, घर पे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उसमें कहीं आप सेल यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली ट्यूबलाइट में सेल यूज़ कर रहे हो या फैन में सेल यूज़ कर रहे हो, माइक्रोवेव में सेल यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो सेल का इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि सेल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो करंट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है। मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक आपको ब्रीफ में बताया था और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था जो माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन था इन माई लास्ट वीडियो, एंड दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल इज़ द एनर्जी सोर्स, लेकिन ये एनर्जी जो होती है बहुत स्मॉल अमाउंट की होती है। जैसे आप नॉर्मल वॉल क्लॉक में यूज़ कर रहे होते हो सेल को, टॉयज़ में सेल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, या रिमोट में सेल यूज़ हो रहा होता है, यानी कि हम उस अप्लायंस में यूज़ करते हैं जनरली सेल्स को, जहाँ पर कम पावर में कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ पर सेल यूज़ होता है। जैसे आपका होता है डेनियल सेल, ओके, एंड वन इज लैग्रांज सेल, डेनियल सेल, लेड सेल। तो ये जितने भी सेल्स हैं इनके अंदर होता क्या है, ड्राई फॉर्म में जैसे MnO4 होता है, उसमें आपका डेनियल सेल में MnO4 यूज़ हो रहा होता है, मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये सारे सेल्स है क्या, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप होता है। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, पहले फिजिक्स लैब में सेल यूज़ होता था नॉर्मल इस तरीके का सेल, अब नहीं यूज़ होता है, लेकिन पहले इलेक्ट्रोलाइट वाला प्रॉपर सेल यूज़ होता था। ठीक है,
तो ये सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिलअप होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फिलअप किया जाता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई होगी, तो उसमें भी यहाँ सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया होगा वहाँ पर। तो सेल होते क्या है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट एक अंदर फिलअप होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके क्रॉस दो टर्मिनल अटैच होते हैं। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द टू टर्मिनल, और ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सेल इज मेड अप ऑफ टू बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक थिंग्स दैट आर टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो सारा जितना भी खेल है, जितना भी इसका फंक्शनिंग चल रही है, वो किस पर चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट पर। टर्मिनल उसको इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, चार्ज को बाहर आउटर सर्किट में लेकर के आएगा। जैसे रिमोट है, रिमोट का आउटर सर्किट जो होगा, जो सेल से बाहर का सर्किट है, उसमें लेकर के आएगा। तो ये इंटरनल में अगर देखा जाए तो सेल में ये दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक टर्मिनल होता है। टर्मिनल चार्ज प्रोवाइड करना शुरू करता है एक्सटर्नल सर्किट को। अभी ये ओपन सर्किट है, अगर टर्मिनल से कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, ओके। सो लाइक इन दिस केस इट इज ओपन सर्किट। अब इसके अक्रॉस अगर हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। तो सेल, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज सेल, सो सेल इज द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टर्मिनल, ओके, दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी सोर्स। दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी वेरी स्मॉल। जो लैग्रांजियन सेल है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF हम जिसे कहते हैं, अभी आगे मैं बात करूँगी व्हाट इज EMF। तो EMF जिसे हम कहते हैं दैट इज ओनली 1.5 वोल्ट, ओके। तो EMF वगैरह बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हमें इसमें नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल हम स्मॉल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सेल को यूज़ करते हैं। तो दिस इज ओवरऑल सेल, ओके। नाउ वी कैन कंबाइन द सेल इन वेरियस फॉर्म। तो सेल इज द बेसिकली वी कैन से इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, एंड व्हेन वी नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन ओनली वी यूज सेल। सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो DC फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। करेंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्ट करेंट है, DC। जब यहाँ पर जब हम घरों में यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे जो यूज हो रहा है दैट इज AC। जब हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो वो ऑल्टरनेटिंग करेंट है जो घरों में आ रही है। लेकिन सेल की करंट, जो रिमोट अगर आप नॉर्मली उसको टच करो तो आपको कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी शॉक या इलेक्ट्रिकल करंट का फील नहीं आता, क्योंकि उस पर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। जो आपकी क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उस पर भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इसलिए वहाँ पर सेल यूज हो रहा है। सो दैट इज़ द ओवरऑल पर्पज, इफ़ वी नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन वी यूज सेल, ओके। अब आपकी फिजिक्स लैब में क्या यूज़ होता है, बैटरी एलिमिनेटर यूज होता है। बैटरी एलिमिनेटर भी DC सोर्स है जो AC को DC में कन्वर्ट कर दे रहा है। जब आप बैटरी एलिमिनेटर को स्विच से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर AC आ रही है स्विच में, लेकिन बैटरी एलिमिनेटर AC को DC में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। AC करेंट इज मोर हार्मफुल, वो इलेक्ट्रिकल शॉक ज़्यादा दे सकती है क्योंकि उसका वोल्टेज हाई होता है। हमारे घरों में जो आ रही है इलेक्ट्रिकल करेंट वो 220 वोल्ट सप्लाई से लेकर 240 वोल्ट सप्लाई तक की आ रही है। और जो बैटरी एलिमिनेटर है उसमें आप कितना वोल्टेज सेट करते हो, 0 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 तक की रेंज जा रही होती है, 12 वोल्ट तक की, यानी मैक्सिमम उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट तक का है। तो बैटरी एलिमिनेटर एक ऐसा सेटअप बनाया गया है जिसको जिसमें हम डायरेक्टली DC से AC में, AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड विच इज लीस्ट हार्मफुल। तो सेल की जगह पर वो यूज में लगा, क्योंकि सेल में बहुत सारी हमें इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे और यहाँ पे कोरोजन होने लगता है पार्टिकल्स का जैसे जैसे ये यूज़ होना शुरू होती है, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत चाहिए और इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट को बार बार फिलअप करना, दैट इज़ द लॉन्ग लास्टिंग वर्क। सो इसीलिए अब लैब में एलिमिनेटर यूज होने लगा, विच इज़ ईजी टू हैंडल। सो दैट इज़ ओवरऑल अबाउट सेल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, वॉट इज सेल, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज EMF। सेल से ही कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल फिनिश हो गया, सेल से ही कनेक्टेड है EMF, ओके। हियर EMF मींस व्हाट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
नेम इसका फोर्स है लेकिन होता ये वोल्टेज की इक्विवेलेंट है. दिस इज इक्वल टू वोल्टेज. ओके मींस इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो वर्ड मींस व्हाट? रिलेटेड विद द चार्ज. मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग बताया था. इलेक्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू चार्ज. मोटिव चार्ज को मूव कराना. फोर्स दैट इज द फोर्स अप्लाइड टू मूव द चार्ज थ्रू आउट द लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो हम चार्जेस मूव करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ आप देखोगे तो चार्जेस इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास ऑन होते हैं. सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के इधर से निकल के यहाँ पर एडअप होते हैं. ये पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है. लाइक कॉपर सल्फेट अगर सॉल्यूशन है तो वो कॉपर प्लस टू आयन और सल्फेट माइनस टू आयन में Cu प्लस एंड SO4 माइनस में माइनस टू में ये कन्वर्ट हो रहा होगा. तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज हो गए, ये प्लस चार्ज हो गए. ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं और इन पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है. इनडायरेक्टली यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है. तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव हो रही होती है, कैरी ऑन हो रही होती है. ठीक है. अब ये जो चार्जेस यहाँ पर आए हुए चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं और उस तरीके से सर्किट क्लोज सर्किट कहलाता है. अभी ये ओपन सर्किट है. यहाँ पर टर्मिनल्स को हमने किसी भी आउटर एक्सटर्नल अप्लायंस से कनेक्ट नहीं किया है. जब हम इसको एक्सटर्नल अप्लायंस से कनेक्ट कर देंगे विद की क्लोज्ड देन द सर्किट बिकम क्लोज सर्किट. तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा दिया हुआ होता है कि दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज अप्लाइड एंड द सर्किट इज क्लोज, के वन इज क्लोज, के टू इज ओपन. इन दैट वे दैट मैनी न्यूमेरिकल्स आर गिवन. ओके तो आप जब उस समय देखोगे तो सर्किट क्लोज और ओपन का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ से पता चलता है. ठीक है. तो यहाँ पर ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. सिंपल डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं, दैट इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी नॉट बैटरी सेल इन ओपन सर्किट. अगर सर्किट ओपन है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन टर्मिनल के अक्रॉस उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. EMF. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फीलिंग नहीं है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल प्रोवाइड करता है किसी भी सिंपल सर्किट को. तो यहाँ पर हमें सेल का ये यूज़ होता है. अब नंबर ऑफ सेल्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट इज अनदर टॉपिक हियर, सेल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बैटरी कह देते हैं. तो बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होती है. ये सीरीज कॉम्बिनेशन है व्हेन नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, तो इसको हम बैटरी कहते हैं. एक सेल मीन्स व्हाट? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपली इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a cell in open circuit, जब इसको किसी अप्लायंस से कनेक्ट नहीं किया गया सेल को. ठीक है. अब दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी. दूसरी डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो बेसिक डेफिनेशन थी, आप क्या कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस को? दैट वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम इसी बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. दैट EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द अदर टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक के ले जाने में जो भी वर्क होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और ये वर्क हो रहा है एक्चुअल में. ये वर्क यहाँ पर, ये जो चार्जेस हैं इनके मूव करने में यहाँ पर वर्क हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास ऑन हो रहे हैं. अगर इलेक्ट्रोलाइट को हम एक तरीके से रेजिस्टेंस के फॉर्म में कंसिडर करें, इलेक्ट्रोलाइट एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा चार्ज के मूवमेंट में. जस्ट लाइक द केस आप
स्विमिंग कर रही हूँ एक वाटर बॉडी में, कोई भी वाटर बॉडी उसमें आप स्विमिंग कर रहे हो, तो वाटर आपकी स्विमिंग में एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता है जिसके बेसिस पर आपको वर्क डन करना पड़ता है आगे मूव करने के लिए। सेम इज़ द थिंग फॉर द चार्ज। ये चार्जेस अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं तो इनके इनको वर्क डन करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, उस रेजिस्टेंस को भी मैं डिफाइन करूँगी। तो ये जो वर्क डन हो रहा है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। फॉर लैग्रैंजियन है इट इज ऑफ द रेंज ऑफ 1.5 वोल्ट टू 1.7 वोल्ट। ओके, इतनी होती है। तो जनरली जो हम रिमोट में यूज़ करते हैं, कभी उसको रिमोट को खोल करके चेक करना, वो सेल जो होता है वो ज़्यादातर लैग्रैंजियन सेल ही होता है। ठीक है, डेनियल सेल भी यूज़ होता है, तो वो सेल का आपका उसमें दिख भी जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.5 या 1.7 के अक्रॉस होता है। सो यू कैन चेक दैट वैल्यू, यू कैन आइडेंटिफाई द रेटिंग गिवन इन दैट अप्लायंस दैट इज सेल। आप किसी भी अप्लायंस को देखोगे उसकी जो रेटिंग है वो अप्लायंस में ही लिखी हुई होती है, सो यू कैन चेक दैट। ओके, क्लियर? तो यहाँ डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड सेल, सॉरी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इट इज अ वोल्टेज। मैंने आपको क्लियर करी हूँ, दैट फोर्स मत समझ लेना इसको, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF जो होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज, क्योंकि अभी आगे भी यूज होना है, आगे अभी मैग्नेटिक फील्ड में भी ये EMF आएगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे लॉ जहाँ यूज होगा वहाँ पर EMF आना है। ठीक है, तो डोंट कंसिडर इट एज अ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट क्लियर योर माइंड दैट इट इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होना चाहिए तब ये वोल्टेज होता है जिसको हम EMF कहते हैं, यानी मैक्सिमम एप्लीकेबल वोल्टेज दैट इज कॉल्ड EMF। और जो जब हम सिंपल सर्किट कनेक्ट कर देते हैं इसमें इस सेल से, तो क्या होगा कि उस समय हर एक अप्लायंस के थ्रू जितना भी वोल्टेज होगा, ये श्योर है कि वो वोल्टेज इस वोल्टेज से यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम वैल्यू का ही होगा, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है सर्किट में, सेल। तो सेल का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम वोल्टेज हम ओपन सर्किट में निकालते हैं, सेल के ओपन सर्किट में, जब सेल किसी भी अप्लायंस से कनेक्ट नहीं है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लियर टू यू नाउ? If you have any confusion, you can ask. There are so many things to understand further deep in these topics. But whatever given in your syllabus that I have discussed, I want to discuss. I just wanted to discuss superconductor too, and that I will discuss in my free time whenever I will get free time. Okay, then I will discuss superconductor. It is not given in your syllabus, but superconductor is very good topic, very interesting topic. That you must know. So that is why just carry on with these topic, and I'm sure that you will get interest in physics subject. So this is overall EMF. First of all, I told about cell, then I told about EMF, and now I'm going to tell about internal resistance. These are the linked topic. Internal resistance. ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है। EMF को हम जनरली ऐसे इस तरीके के E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी हम V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अभी हमने जब सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सॉल्व किया था, तो हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया था, कभी कभी हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं दिस, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझना, दिस इज EMF दैट इज वोल्टेज। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, स्मॉल R। वो जो आपने कैपिटल आर पढ़ा था वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सेल के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, यानी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एक स्मॉल बल्ब भी ले सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप रिमोट भी कंसीडर कर सकते हो, रिमोट का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप वॉल क्लॉक का रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो।
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर है, वो सेल से लिंक है। अब सेल का फिर से स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, दोनों ही सिचुएशन में वेन चार्जेस आर गोइंग टू मूव इन साइड द इलेक्ट्रोलाइट, ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं यहाँ से और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ मूवमेंट में, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइट से पास आउट होना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ गैप इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। आपने सेल भी देखा होगा, तो नॉर्मल जो सेल होता है उसका एक एक पॉइंट टॉप पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे लोअर पॉइंट बॉटम पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल का होता है। नेगेटिव टर्मिनल फ्लैटन सर्फेस से शो हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल वो डॉट जो एक बना हुआ होता है टिन का डॉट उससे शो होता है, टिन बना हुआ होता है वहाँ पर, तो टिन का मटीरियल होता है वहाँ पर। तो ये जो आपका गैप है ये दोनों में होना चाहिए ताकि हम दो पोर्ट बना सकें, दो टर्मिनल बना सकें जिसके अक्रॉस हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयंस, तो उस सिचुएशन में हो क्या रहा होता है, इनको पास ऑन होना होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास ऑन होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस, एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। मैंने आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताई थी दैट इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो, जब मैंने मैकेनिक्स बताई थी, नॉट मैकेनिज्म, मैकेनिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इन अ कंडक्टर बॉडी, जो मैंने आपको ये पूरा डिटेल में अच्छे से बताया था, तो सिचुएशन मैंने बताया था कि जब चार्ज फ्लो करें तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए फ्री पाथ है, जैसे आप एक पूरी फ्री रोड पर मूव कर रहे हो, बाइसिकल का केस और बाइक का केस मैंने कंसिडर किया था, तो वो केस नहीं है, या कार का केस, आप जो भी केस कंसिडर करो, आप फ्री रोड में मूव कर रहे हो क्राउडेड रोड में, तो रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो। तो अपने आप को एक चार्ज की तरह एज्यूम करो, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट इज जस्ट लाइक द वाटर बॉडी, अगर लिक्विड है तो वाटर बॉडी एज्यूम कर लो, सॉलिड है तो जेल स्ट्रक्चर एज्यूम कर लो। सो इफ मैं अब हमेशा जब भी कोई एग्जाम्पल लेती हूँ तो मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि आप अपने से रिलेट करो, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करो फिजिक्स को, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू यू। तो अगर आप हो और आप स्विमिंग कर रहे हो एक वाटर बॉडी में, तो अगर आपने हाथ पैर नहीं चलाए तो क्या होगा, यू विल सिंक इन साइड द वाटर बॉडी। इन द सेम सिचुएशन हियर कि ये जो चार्ज बॉडी होते हैं इनको इस इलेक्ट्रोलाइट से पास ऑन होने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट इसके पाथ में, इस चार्ज पार्टिकल के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, यानी एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा होता है, चार्ज के मोशन को अपोज कर रहा है। अगर ये मोशन नहीं करेगा तो ये सिंक कर जाएगा, ठीक है, ये मोशन करते हुए कुछ वर्क करते हुए कहाँ पहुँचता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर। सो दैट इज़ द थिंकिंग कि जो चार्ज बॉडी मूव कर रही है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, इट हैज़ टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड इट get some resistance, some obstruction in the path of its motion, and that obstruction is created by electrolyte, and that obstruction is termed as internal resistance. So what is internal resistance? That is the internal is cell ke andar ka resistance, that is the resistance offered by electrolyte in the path of charge flow in an electrolyte is called internal resistance. ओके, सो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट बाहर तो होता नहीं, सेल के बाहर नहीं है, कहां पर, सेल के अंदर, इसीलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। पर रेजिस्टेंस को भी यहां पर डिफाइन करता हूं, ये तो सिंपल वर्ड में हो गया, रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करना हो तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो। तो आप यहाँ पर इस वर्ड को भी एलाबोरेट कर सकते हो, दैट रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस हियर, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ चार्ज फ्लो, दैट इज दैट ऑब्स्ट्रक्शन विच इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड this is the overall meaning, physical meaning of internal resistance. This internal resistance is useful in the case of this cell combination. Got it? So I hope these points are clear to you, and now I'm going to start with the next topic, cell combination. Before this I want to share one
relation between EMF and voltage. So this one is open circuit. कैसे पता चल रहा है open circuit है? यहाँ पर कोई resistance connect नहीं है. अब यहाँ पर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अप्लाई हो रहा है. जितने रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जाते हैं, यानी मैकेनिज्म आप जो चार्ज फ्लो की थी, यहाँ पर क्या है चार्जेस, ये बैटरी या सेल हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, दिस वन इज बैटरी. तो नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि आपका कंडक्टर, यानी कि आप जो रेजिस्टर ऑफर कर रहे हो वो कंडक्टर बॉडी है, तो कंडक्टर के पॉइंट पर आता है और वहाँ से ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देता है ताकि आगे इलेक्ट्रॉन मूव करे, विच इज़ द ड्रिफ्ट मोशन. आई टोल्ड अबाउट ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ड्रिफ्ट मोशन होता है जब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ पर बी पॉइंट पर आता है, तो वो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करता है. ठीक है, जब आगे की तरफ पुश करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाने पर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, एंड दिस इज द पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल बॉडी, एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन. सो बाई दैट पुशिंग वन इलेक्ट्रॉन कैन गेट रिलीज फ्रॉम द ए टर्मिनल एंड इट कैन रीचेज अप टू पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाई द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और यहाँ पर आ रहा है. दैट मीन्स करेंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. हम हमेशा करेंट को ये शो करते हैं, करेंट फ्लो कर रही है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही होती है. सो करेंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो मैक्सिमम जो वोल्टेज है इस टर्मिनल के अक्रॉस, दैट इज ई. ओके, एंड दिस मैक्सिमम वोल्टेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ओके, पहले तो हम इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं. अगर हमें वोल्टेज पता है तो वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग में एनर्जी कितनी होगी. वी आर गेटिंग द फार्मूला वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. मुझे ये फार्मूला आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज हुआ था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू. आपको ये फार्मूला मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज. और चार्ज को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज आई इंटू टी. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. तो टी टाइम में अगर आई करेंट फ्लो कर रही है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन टू मूव द क्यू चार्ज फ्रॉम द सेल टू द एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी आई टी. ओके, तो आप यहाँ पर वी आई टी के फॉर्म में लिख सकते हो. ई एम एफ, इफ ई एम एफ इज ई, दिस ई इज ई एम एफ हियर, एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज वी. दोनों में डिफरेंस है, आप कहोगे कि तो दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं तो दोनों इक्वल होंगे, ई एम एफ इज इक्वल टू वी हो जाएगा. नो, क्यों? क्योंकि जो सेल है उसने कुछ एनर्जी तो लीक कंज्यूम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में, कुछ एनर्जी ये वेस्ट भी कर रहा है, कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम भी हो जा रही है, तो ये इक्वल ही है. यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल से कम है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है कि ये सेल जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका कुछ पार्ट एनर्जी अपने इंटरनल चार्जेस को मूव कराने में यूज़ करता है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? नॉट गेटिंग. अब मैं आपको आपकी बॉडी की बात बताती हूँ. यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ आपकी बॉडी का. आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने का मैक्सिमम पोर्शन आप एक्सटर्नल वर्क करने में यूज़ करते हो, लेकिन उस खाने का, उस एनर्जी का जो आपको बॉडी में मिली, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, बॉडी को डेवलप करने में, ग्रो करने में यूज़ होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स वॉट, जितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई थी बॉडी को उसका कुछ पार्ट तो बॉडी के डेवलपमेंट में यूज़ हुआ और कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क करने में यूज़ हुआ, मैक्सिमम पार्ट एक्सटर्नल वर्क करने में यूज़ हुआ. सो सेम इज़ द थिंग हियर. यहाँ पर जो सेल है, ये सेल अब रेजिस्टेंस तो डेवलप होगा नहीं, रेजिस्टेंस तो इट इज़ इन नॉन लिविंग बॉडी, तो रेजिस्टेंस तो डेवलप नहीं होगा. रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपना कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगा, जितनी एनर्जी उसको कंज्यूम करनी उतनी करेगा. लेकिन ये जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो उस एनर्जी प्रोवाइड जो करेगी उसका कुछ पार्ट तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में यूज़ कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी इंटरनली. ठीक है, तो बैटरी का जो ई एम एफ है
वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस में अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर और एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो टोटल एनर्जी जो थी, वर्क इज इक्वलेंट टू एनर्जी, सो टोटल एनर्जी जो थी दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। समझ में आ रहा है? जो वर्क था, वर्क इज इक्वलेंट टू एनर्जी, वो वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वर्क इज इक्वलेंट टू एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सेल एंड दैट एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द एक्सटर्नल एनर्जी अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वन इज द इंटरनल एनर्जी अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस टू डू वर्क फॉर अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द मूविंग चार्ज बॉडी। गॉट इट? तो अब ये जो ई है आप इसको एज सच करने दोगे, ठीक है? एक्सटर्नल एनर्जी आपने इसको ई एनर्जी है, एनर्जी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? वर्क को वी आई टी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक्सटर्नल को कैसे लिखोगे? वी इंटू आई इंटू टी, और इंटरनल को वी इन इंटू आई इंटू टी। अब आई क्यों सेम है दोनों में? क्योंकि जो चार्ज है, जितने चार्ज अंदर से बाहर आएंगे उतने ही चार्ज अंदर से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाएंगे, यानी कि चार्जेस इक्वल है एंड आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्जेस अगर इंटरनल सर्किट में भी उतने ही फ्लो करें जितने कि एक्सटर्नल सर्किट में, तो क्यू दैट इज आई टी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? सो दीज आर द टर्म, वी इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड वी इन इज द पोटेंशियल डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज ई टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ई एम एफ इंटू आई इंटू टी। ये टोटल एनर्जी है, तो सेल की टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस होती है एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट इन एन ओपन सर्किट, जब ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ई। सो ई इंटू आई इंटू टी दैट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वी इन इंटू आई इंटू टी। नाउ दिस आई टी टर्म कैन बी कैंसिल आउट, ठीक है? बचेगा क्या टर्म? वी प्लस वी इन। सो वी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। सो ई एम एफ इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज आर कैपिटल आर एंड इंटरनल वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंसेज स्मॉल आर। तो आपका ये एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को यूज करके आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। एक टर्म मैं ये भी यूज करूँगी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सो दिस इज ई इज इक्वल टू आई, यू कैन टेक कॉमन आर प्लस आर। नाउ आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर, सो दैट इज द करेंट कोरस्पॉन्डिंग टू सेल। नाउ अब इस इक्वेशन को, ये तो एक रिलेशन आ गया, इस इक्वेशन को यूज करूँ इक्वेशन वन। तो E इज इक्वल टू V प्लस वी इन, वी इन को मैं आई आर कर दे रही हूँ और इस V को एस सच रहने दे रही हूँ। सो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिलेशन आपका यूजफुल है, बहुत यूज होता है अभी आगे डेरिवेशन में भी प्लस न्यूमेरिकल में भी। सो V इज वॉट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E इज ई एम एफ एंड आई आर इज इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो दिस वन रिलेशन एंड दिस वन रिलेशन बोथ आर वेरी यूजफुल इन सेल कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन वेरियस न्यूमेरिकल्स। सो आई होप दीज पॉइंट, दीज टॉपिक आर क्लियर टू यू, हाउ वी गेट दिस रिलेशन दैट इज यूजफुल, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, कीप इट इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now come to next topic and next which is the last topic of the day, हम बात करेंगे सेल कॉम्बिनेशन की। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ हो गया, सेल हो गया, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सेल कॉम्बिनेशन की। तो सेल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया दो तरीके से हो सकता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। जनरली सीरीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जस्ट फॉर नॉलेज आप पढ़ोगे, ठीक है? जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर सेल्स में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो है जिसमें, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर
सेल का, एक सेल का ये इसका ईएमएफ है E1, दूसरे का ईएमएफ है E2, ठीक है। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बिग लाइन, नेगेटिव टर्मिनल स्मॉल लाइन। तो अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, देन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? इफ द नेगेटिव ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ अदर सेल एंड पॉजिटिव ऑफ वन टर्मिनल वन सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ अदर सेल, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। या सिंपल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या रिकॉल करना है तो उसका एक तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। बस एक ही टर्मिनल देखो, दोनों टर्मिनल देखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इस तरीके से बना हुआ है तो बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा दे दिया जाए आपको तो लगेगा कि ये तो सीरीज लग रहा है, E1 है, ये E2 है, यहाँ पर देखो तो सीरीज की तरीके से लग रहा है, बट इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यू कैन सी नेगेटिव एंड नेगेटिव आर कनेक्टेड। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आपको टर्मिनल देखना होता है, और वो टर्मिनल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। रिमेंबर दिस कि सेल के कॉम्बिनेशन के जनरली न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते, कॉम्पिटेटिव में पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ पर सेल कॉम्बिनेशन की पूरी थ्योरी आपके सिलेबस में है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गो विद दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सेल को अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में दिखाना होता है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। एक डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन शो करिए कि ये एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट तो हम दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, एक सेल एक डॉटेड लाइन के अंदर बाउंड है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF है E1। ई किस तरीके का बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ई हमने एग्जैक्टली कैपिटल बनाया है, ये हम कर्सिव बना देते हैं। सो दिस इज E1 एंड R1, एंड दिस वन इज कनेक्टेड विद अनदर सेल, द नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, सो इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और उसका EMF है E1। ये दो सेल आपस में कनेक्ट हैं एंड दिस सेल इज इन सीरीज, दी सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, इन टर्मिनल के अक्रॉस एक नेट EMF होगा विच इज ई, जो इन दोनों सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन से आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें नेट EMF को अगर हम ई एज्यूम करते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट EMF, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव। ये दो सेल में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज V1, अक्रॉस सेकेंड सेल इज V2, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, V=V1+V2। अभी सॉल्व किया है कि V=, क्या होता है, E-IR, वेयर ई इज द EMF। तो यहाँ फर्स्ट सेल V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, V1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 माइनस ऑफ IR1, ओके, एंड V2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू E2 माइनस ऑफ IR2। हम फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं, बेसिक फार्मूला जो अभी मैंने डिराइव किया था। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो सेल है ये कनेक्ट किया गया होगा किसी वायर से, तभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो वो जो कनेक्ट किया गया है उसी को हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज़ V1 एंड V2। तो आप ई वाली कंबाइन कर दोगे, E1 प्लस E2 एंड माइनस ऑफ IR1 प्लस R2, ऐसे हो जाएगा, माइनस आपने बाहर ले लिया, तो ये सिचुएशन आ रही है।
आई इज द करेंट, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करेंट सेम फ्लो कर रही होगी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो सेम करेंट फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड दिस वी, ये जो इक्विवेलेंट वी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों सेल के कोरस्पॉन्डेंस में अगर हम एक सेल यूज करें जो इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट हो फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस वी को भी हम उस फॉर्मूले के बेसिस पे रख सकते हैं विच इज आई हैव कंसिडर ई इक्विवेलेंट। सो ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों सेल के ई एम एफ का इक्विवेलेंट ई एम एफ, एंड फॉर्मूला इज सेम, वी इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर। कंपैरिजन करें राइट और लेफ्ट साइड की, तो उस कंपैरिजन से रिजल्ट निकल के आता है कि ई इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए आर वन प्लस आर टू। मीन्स क्या हुआ इसका, कि अगर हम दो सेल्स या उससे ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ई एम एफ इंक्रीज हो रहा है, हर एक सेल के ई एम एफ पर ऐड करने पर नेट ई एम एफ आएगा, तो ई एम एफ इंक्रीज हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, और यही रिमोट वगैरह में या किसी भी सर्किट पे यूज होता है, जब रिमोट में दो सेल्स लगते हैं तो दोनों सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, एक प्लस के बाद जो नेक्स्ट टर्मिनल आता है वो माइनस का होता है, और मैंने आपको बताया कि अगर माइनस और प्लस कनेक्ट है इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो रिमोट में जो कॉम्बिनेशन लगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, नेट ई एम एफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट ई वन प्लस ई टू है, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जा रहा है, दिस इज जस्ट लाइक द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो आपको इस तरीके से नेट रिजल्ट मिलता है। इसको अगर आप एन सेल्स के लिए लिखते हैं, सेम फॉर एन सेल्स ऑफ सेम वैल्यू सेम ई एम एफ, तो क्या होता, आप करते ई इक्विवेलेंट, किसी को लिखते ई इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू ई प्लस अप टू एन टाइम्स, तो कितना हो जाता n इंटू ई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ये है कि ई एम एफ जो होता है वो नंबर ऑफ सेल्स के ई एम एफ का एडिशन है, दैट इज़ द एडवांटेज। हमें जो टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ई एम एफ के थ्रू, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज़्यादा मिलेगा, सो दैट इज़ द एडवांटेज, ओके। अब वहाँ पर करेंट भी निकाल सकते हैं, करेंट क्या होनी चाहिए, करेंट शुड बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट दैट इज द इक्विवेलेंट ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर हम एन सेल्स निकाल गए हैं, लिसन इट केयरफुली, ये हमें रिजल्ट्स मिल गए हैं, ये दो रिजल्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों, अगर हमें करेंट निकालनी कि इन दोनों सेल के थ्रू हमें कितनी करेंट मिलेगी, तो करेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ई एम एफ इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, ई इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सारे सेल्स सेम ई एम एफ के हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है एम इंटू ई एम एफ ऑफ वन सेल। मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया कि ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू एन टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम इंटू ई, ये टोटल इक्विवेलेंट ई एम एफ आ जाएगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एन इंटू आर, अगर सारे सेल्स एक जैसे हैं, मीन्स अगर हमने लैग्रैन्जियन सेल 1.5 वोल्ट का यूज़ किया है, सारे के सारे लैग्रैन्जियन सेल हमने सीरीज में लगा दिए हैं, तो उससे बेनिफिट हम देख रहे हैं कि करंट में क्या बेनिफिट आता है। तो दिस इज बेनिफिट ऑन करंट, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ई इक्विवेलेंट दैट शुड बी इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर, हमने एन सेल्स कनेक्ट किए सीरीज में, रिजल्ट कितना आ जाएगा ई बाई आर which is equal to the current due to one cell. Listen it carefully. This is current due to one cell. कैसे पता चल रहा है, देखो E क्या है, ई एम एफ ऑफ वन सेल, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, तो E बाई आर क्या होगा, करेंट कोरस्पॉन्डिंग टू वन सेल, फॉर्मूला करेंट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस बाई ओम्स का, ई बाई आर इट इज द करेंट ड्यू टू वन सेल, यानी कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं तो हमें करेंट में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ई एम एफ नो डाउट बढ़ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, बट करेंट एज सच कोई इंक्रीज नहीं हो रही है, वो करेंट उतनी ही है जितनी कि हमें एक सेल से करेंट मिलेगी, अगर हम एन सेल्स भी लगा देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमें उतनी ही करेंट मिलेगी जितनी कि एक सेल से मिल रही है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ करेंट
for n number of EMF or cells that is equal to the current due to single cell. और इस बेसिस पर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता करंट का. सो देयर इज नो बेनिफिट, जीरो बेनिफिट ऑन द करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे बनेगा? जब हम सेल्स के पॉजिटिव किसी एक टर्मिनल के लिए बात करें ना, पॉजिटिव यहाँ पर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनाते थे विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हो. ठीक है, दिस इज EMF E1, EMF E2, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2. ये एक सेल है तो इसको हमने डॉटेड स्ट्रक्चर के अंदर कर दिया. सो दिस वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज A टर्मिनल B टर्मिनल. तो ये तो श्योर है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें वोल्टेज तो सेम होगा इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल है जैसे आपने रेजिस्टेंस को सॉल्व किया था. लेकिन इसमें करंट क्या होगी? अगर आई अमाउंट ऑफ करंट दी जा रही है तो आई अमाउंट ऑफ करंट I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ कहीं करंट का डिवीजन है वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो जहाँ वोल्टेज का डिफरेंस डिवीजन है वहाँ पर हम वोल्टेज की डिवीजन से स्टार्ट करते हैं. सो I इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी आपने फॉर्मूले निकाला हो कि I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R. ये रिजल्ट आया था. आप इसको उस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे आपने लिखा E इज इक्वल टू V प्लस IR होता है. ठीक है, अब यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस ऑफ V ओवर R. ये भी रिजल्ट आ सकता है. सो फ्रॉम द सेम रिलेशन ये सारा रिजल्ट पुट करने के लिए आपको सिंपल एक इक्वेशन हमेशा अपने माइंड में रखनी है. आप उसको हमेशा ये ध्यान रखो कि E इज इक्वल टू बी प्लस आई आर, ये माइंड में होनी चाहिए. या इसको दूसरे फॉर्म में लर्न कर सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. और ये कहाँ से आ रही है? मैंने आपको अभी पहले डिराइव करके दिखाया था. तो V यहाँ पर I की वैल्यू E माइनस V ओवर R के फॉर्म में आ रही है. I1 और I2 के प्लेस पे हम यही वैल्यू पुट कर देंगे. सो I इज इक्वल टू I1, I1 मीन्स क्या हो जाएगा? E1 माइनस ऑफ V ओवर R1. वी चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है. जिस ए और बी के अक्रॉस सेल वन के कोरस्पॉन्डेंस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेल टू के कोरस्पॉन्डेंस में है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि EMF चेंज हो रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहे हैं. प्लस E1 माइनस E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2. नाउ यहाँ पर आप टर्म्स E वाले एक साथ ले लो. सो E1 ओवर R1 एंड प्लस E2 ओवर R2, ये टर्म्स आपने एक साथ ले लिए क्योंकि आपको इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में इक्वेशन था कि आप कंपेरिजन कर पाओ. सो माइनस आपने यहाँ से लिया, V कॉमन ले लिया, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. गॉट इट? इतना टर्म आ रहा है. अब आप इसको किस तरीके से कर दो कि E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये एक टर्म हो गया. माइनस ऑफ V आप इसको एज सच रखो, 1 ओवर R1 माइनस ऑफ 1 ओवर R2. क्लियर? ये होगी ना I. अब यहाँ पर I को आप इस फॉर्म में ही रख दो, ये जैसा फॉर्म था. तो I को रिप्लेस करके हम यहाँ रख लें E बाई R माइनस V बाई R. सेम थिंग आपने रखा E इक्विवेलेंट, क्योंकि आप इन दोनों के एडिशन से निकाल रहे हो. तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाना चाहिए टर्म. गॉट इट? अब यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड की कंपैरिजन करो, क्योंकि I के प्लेस में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दिया है. जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था सेम थिंग आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे हो. तो उसके बाद अभी हम चेक भी करेंगे कि यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है. सो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड के टर्म्स में फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो तो E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2. ये रिजल्ट आ रहा है.
अब दूसरा रिजल्ट क्या है, अभी इक्विवेलेंट अब 1 ओवर r को आप यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 1 ओवर r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो ये रिजल्ट सेम आ रहा है जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रिजल्ट दे रहा है जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देता है। एक रिजल्ट तो आपका ये आ गया। अगर आप इस वैल्यू को जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करते हो, तो देखो ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट है, तो ई इक्विवेलेंट इंटू 1/r लिख सकते हो इसको। आपने लिखा ई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू E1 R2 + E2 R1 / R1 R2। एक्चुअली आप E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हो इसलिए। सो यहाँ इस इक्वेशन से आप वैल्यू पुट कर दो 1/r इक्विवेलेंट की, तो E इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट इस साइड ले जाओ राइट साइड में, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई E1 R2 E2 R1 / R1 R2। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको टर्म्स लंबे लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन डिफिकल्ट है, नो। ठीक है, आप लास्ट रिजल्ट जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन उतनी ही सिंपल है जितनी कि आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी। तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, मैंने आपको बताया था कि ये दो रजिस्टर है तो इसका रिजल्ट क्या आता है R1 R2 / R1 + R2। आर इक्विवेलेंट की प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो R1 R2 / R2 एंड दिस इज E1 R2 E2 R1 / R1 R2। क्यों किया, टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास कम टर्म्स मिल रहे हैं, तो E और हमें E इक्विवेलेंट का रिजल्ट मिल रहा है E1 R2 E2 R1 / R1 R2। सो दिस वन इज द रिजल्ट फॉर EMF एंड दिस वन इज द रिजल्ट फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देखो तो इक्विवेलेंट EMF जो आ रहा है वो रियल आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप एक केस ले लो कि सारे सेल एक जैसे E1 = E2 = E और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, रिजल्ट कितना आएगा E equivalent = उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा R1 = R2 = R। तो रिजल्ट क्या आएगा ER + ER / 2R, कितना आ गया 2ER / 2R। रिजल्ट कितना आया दिस इज दैट मीन्स कि एक एग्जाम्पल लेने पर आपको ये समझ में आ गया कि जो पैरेलल में इक्विवेलेंट EMF आता है वो एक सेल के EMF के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जो EMF है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आया था N × E तो हमें बेनिफिट हो रहा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें बेनिफिट ये नहीं होता है कि अगर हमने n सेल्स पैरेलल में लगा दिए हैं तो उनका सेम EMF के सेल्स हैं पैरेलल में लगाए हैं तो उनका जो नेट EMF होगा इक्विवेलेंट EMF होगा वो एक सेल की EMF के इक्वल ही होगा, तो उसमें हमें कोई बेनिफिट एज सच नहीं मिलता EMF में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप करेंट को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि करेंट में हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ये दोनों आप नोट डाउन कर लेना। तो करेंट बेनिफिट जो जैसा मैंने पिछली बार निकाला था सीरीज कॉम्बिनेशन में बेनिफिट ऑन करेंट, सो करेंट कितनी होनी चाहिए I = E equivalent / R equivalent। ठीक है, अगर हमें सेम सेल्स ई एम है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेम ई एम एफ वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट तो E के बराबर आ रहा है, आपने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन R इक्विवेलेंट कितना आएगा, आप पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी जो पहले डिस्कस किया था उसमें क्या रहा था, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो R/N हो जाता है पैरेलल में, तो यहाँ पर हो जाएगा R/N nth नंबर ऑफ सेल्स के लिए। रिजल्ट कितना आ रहा है N × E/R, यानी करंट में हमें बेनिफिट मिल रहा है E/R इज द करेंट वैल्यू ड्यू टू वन सेल और वो कितने टाइम हो जा रही है N टाइम्स जितने सेल्स हमें लगाए होंगे, तो मीन्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमें ज़्यादा करेंट मिलेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज़ अ गुड बेनिफिट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफरेबल दैन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इफ वी नीड मोर करेंट फ्रॉम द सेल्स कॉम्बिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, आई हैव कवर अप ऑल ऑफ 5 टॉपिक एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेम यूनिट if it is required, okay.